सो है एवरीवन, आज हम ड्रॉ करेंगे सॉफ्ट पेस्टल सीनरी। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं डार्क ब्लू कलर का यूज कर रहा हूँ। देन मैं ब्लू का लाइट शेड यूज कर रहा हूँ। स्काई ब्लू। अब मैं इसे फिंगर से ही ब्लेंड करूंगा। माउंटेन के लिए मैं ब्लू का डार्क शेड यूज करूंगा। मैं इसे फिंगर से ब्लेंड करूंगा और आपको इसे ऐसा दिखाना है कि ये ऊपर जाते जाते लाइट हो गया हो। अब मैं ब्लू कलर का यूज करूंगा। अब मैं ब्लेंडिंग स्टंप की हेल्प से माउंटेन में पैचेस बना दूंगा। को ये ध्यान रखना है कि जो लाइट का सोर्स है वो राइट तरफ से आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में शैडो होगी और राइट साइड में हाईलाइट सेट करेंगे हम। माउंटेन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं चारकोल पेंसिल का यूज करूंगा दूर की ट्रीज को ड्रॉ करने के लिए। अब मैं राइट साइड में थोड़े हाईलाइट ऐड करूंगा ग्रीन कलर से। इतना सब कंप्लीट होने के बाद हम हाउस को ड्रॉ करेंगे। हाउस को ड्रॉ करने के लिए मैं लाइट ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ और उसे ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर रहा हूँ। ये एंड डार्कर एरियाज को दिखाने के लिए हम डार्क ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। देन अब हम ग्रासी लैंड बनाएंगे, तो हम येल्लो कलर का यूज़ करेंगे। देन ग्रीन, देन डार्क ग्रीन। अब हम इसे फिंगर से ब्लेंड करेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम ब्लेंड करेंगे उसका कलर रोड पे नहीं जाना चाहिए।
अब हम रोड ड्रॉ करेंगे। हम रोड को कच्ची सड़क जैसा लुक देंगे। इसके लिए हम लाइट ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। देन डार्क पोर्शन के लिए हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। ये हो जाने के बाद हम इसे फिंगर से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें डिटेल सेट करेंगे। हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, share and subscribe to our channel. Thank you.